जय श्री राधे, जय निताई। श्री हरिनाम प्रेस की ओर से मैं हेमांग कृष्ण नांग्या आप सबको प्रणाम करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साधुवाद, प्रणाम। जय श्री राधे, जय निताई। जय श्री राधे। एक आज बहुत ही सुंदर जिज्ञासा आई है कि हम बिहारी जी मंदिर आते हैं और बिहारी जी के दर्शन करते हैं और टिक्की लस्सी खाते और चले जाते हैं, तो कोई बिहारी जी की सेवा से संबंधित कुछ खास बात हमको बताई है। बहुत ही सुंदर जिज्ञासा है। खास बात तो सभी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, बिहारी जी महाराज की कृपा है हम पे, आप पे, सब पे, लेकिन ये बात सच है, उन्होंने ये जिज्ञासा पूछी है कि हम जहाँ भी जाते हैं हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए आप बिहारी जी का इतिहास है बहुत लंबा है, तो यहाँ बताना संभव नहीं है, जो कि जो स्वामी हरिदास जी महाराज थे जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया, उनकी जन्म से शुरू है कि कैसे कहाँ उनका जन्म हुआ, वो कहाँ कैसे कहाँ पहुँचे। दो वेबसाइट है, पहली है www.बांकेबिहारीमंदिर.com, एक तो इसमें दिया हुआ है, और दूसरी है www.nidhivantemple.com। इन दोनों में पूरा डिटेल में बिहारी जी महाराज के बारे में सब कुछ दिया गया है। फिर भी जो जिज्ञासा है भैया, मैं आपको एक बार बताऊं कि बिहारी जी महाराज को जो है इत्र सेवा बहुत पसंद है। ये मैंने भी अपने कई गोस्वामी मित्रों से सुना है और कई बड़े लोगों से भी सुना है, जो इत्र आता है बाजार में वह बिहारी जी महाराज को पसंद है बहुत ज़्यादा, उस इत्र सेवा। और वह भी पसंद क्यों है, एक घटना है इसके पीछे कि एक बार स्वामी हरिदास जी यमुना पुलिंग पे बैठे हुए थे और आंखें बंद करके वह लीला चिंतन में थे, अर्थात वो आंखें बंद करके वह ठाकुर श्री प्रिया प्रियतम जी अपने माँ के बहरी के संग खेल रहे थे। तो वह जो भक्त थे वह अपने संग इत्र लाए थे और वह आके वहाँ बैठ गए। तो वह बैठ गए तो अचानक लीला के मध्य में इमेजिन करें, यमुना जी हैं, यमुना जी बह रही है, यमुना पलंग यानी यमुना जी का सा किनारा है और रेती रहते स्वामी हरदास जी महाराज बैठे हैं गुद करके। वह भक्त आया, वह भी बैठ गया स्वामी जी को प्रणाम करके। अचानक से लीला के मध्य में स्वामी जी ने हाथ बढ़ाया और कहा लाओ दो। उस भक्त के हाथ में जो है इत्र था, उसने वह इत्र की शीशी स्वामी हरदास जी को दे दी और स्वामी हरदास जी महाराज ने वह इत्र जो है हवा में, उस भक्त की नज़र में हवा में उड़ेल दिया। लेकिन यह हम आप और सब समझ रहे हैं कि वह लीला में थे तो उन्होंने वह इत्र अपने बिहारी जी पे, अपने माँ के बिहारी पे डाला था। वह जो भक्त था उसको कुछ समझ नहीं आया, वह सोचने लगा मैं तो इतना महंगा इत्र लाया था, यह स्वामी जी ने क्या किया। वह मन ही मन इस व्यवस्था को लेकर के बैठा रहा। तुरंत स्वामी हरदास जी ने, जो स्वामी जी के भतीजे थे या भाई थे, उनको श्री जगन्नाथ जी महाराज उनको बुलाया, उन्होंने कहा इनको भक्त को ले जाओ। और निधि वन में उस समय बिहारी जी महाराज रहते थे, जाओ इनको बिहारी जी के दर्शन कराओ। वह भक्त बड़ा व्याकुल सा, मन में बड़ी सारी प्रश्न लेके कि ये क्या हुआ मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आया। और वह निधि वन जैसे ही आया
तो स्वामी श्री जगन्नाथ जी महाराज जो थे, उन्होंने जैसे दर्शन खोले तो वह जो इत्र की महक थी वह बिहारी जी महाराज के उस जो आज के डेट में शिव विग्रह है जो उस समय निधिवन में होते थे यही विग्रह उसमें से आ रही थी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। वह जो भक्त था वह एकदम शॉक्ड एकदम स्तब्ध रह गया, ये क्या हुआ। वह सारी लीला समझ गया, उसकी आंखों में बहुत आंसू थे, बहुत पश्चाताप था। वह तुरंत भागा 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 स्वामी जी के पास गया। यमुना जी पे स्वामी जी बैठे थे, उन्होंने उसमें स्वामी जी के चरण पकड़ लिए और बहुत माफ़ी मांगी और कहा आप मुझे अपनी सेवा में रखो, आप मुझे अपना शिष्य बनाओ। स्वामी जी ने कहा अरे तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारी सेवा स्वयं बिहारी जी ने ली है। तो उसके बाद से कहा जाता है कि बिहारी जी को इत्र सेवा सबसे पसंद है। तो आप भी सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, वैसे तो आप लोग सब लाते ही हैं बिहारी जी महाराज के लिए कुछ ना कुछ बताना, जिज्ञासा आई थी, फर्ज था मेरा बताना। आगे जैसे आप करें आपकी इच्छा। जय श्री राधे, जय निताई, और वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय।